कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट। आज के टाइम पे गवर्नमेंट हर किसी लेवल पे सब्सिडी देती है। इन जनरल हम देखेंगे, जब हम एवरेज लेवल पे देखेंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड 63% सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मींस आज के टाइम पे भी जो हमारी कॉरपोरेशंस है, वी आर ए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में हम पावर खरीदते हैं सेंट्रल पूल से। जब वो पावर खरीदा जाता है तो फिर तभी हम आज कंज्यूमर्स को बेचते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स पे ये सारा असर नहीं पड़ता है। इसमें तकरीबन हम एवरेज लेवल पे 63%। अब क्या होता है कि डोमेस्टिक लेवल पे कुछ ज्यादा हमारी सब्सिडी होती है, मतलब सब्सिडी की लेवल्स होती है। कमर्शियल लेवल पे कुछ और होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ और होती है, एग्रीकल्चर लेवल पे कुछ और होती है। इन जनरल देयर इज 63% सब्सिडी। जब ये प्राइवेटाइज होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, एक्चुअल रीजन बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन? द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू शाई अवे फ्रॉम द सब्सिडी दे आर प्रोवाइडिंग। जब ये 63% सब्सिडी चली जाएगी, ये सब्सिडी जब चली जाएगी, इसका असर किस पे पड़ेगा? मेरे को तो खरीदना है 8 रुपए का यूनिट। आज के दौर पे भी जब हम पावर ट्रेडिंग पे जाते हैं, हम सेंट्रल NRLDC से पावर खरीदते हैं 8 रुपए, 9 रुपए पर यूनिट। ये आज के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, ये होने वाला नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे भी हम 8 रुपए 9 रुपए यूनिट खरीदते हैं, बट कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं विद सब्सिडी 2 रुपए पे, 2-2.5 रुपए पे, तभी जब सब्सिडी होती है। जब प्राइवेटाइजेशन होगी तब ये सब्सिडी कहां मिलेगी? गवर्नमेंट बात कर रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जी सब्सिडी, यानी कि कंज्यूमर को पहले तो अपनी जेब से देनी है। जब वो, जैसे हमने गैस में देखा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है गैस में, पहले तो कंज्यूमर को ये 8 रुपए देने हैं प्राइवेट प्लेयर को। मींस वो क्या कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज यहां पे आएंगी उनके पैसे सिक्योर कर रही है। क्यों? उनको 8 रुपए का बेचना है, कंज्यूमर फिर गवर्नमेंट, यहां पे आज हम देखते हैं गवर्नमेंट ओन्स लॉट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिडी टू PDD। वो PDD को नहीं दे पा रही है, वो कंज्यूमर को कैसे देगी? सो असर तो कंज्यूमर पे पड़ेगा। प्लस ये जो हमारा 8 रुपए का यूनिट है, एज पर कंपनी लॉ आपको 16% का प्रॉफिट तो रखना ही है कंपनी के लिए। कंपनी क्यों कोई बिजनेस करेगी विदाउट प्रॉफिट? इट इज एज सिंपल एज दैट। ये हम भी देखते हैं 16% प्रॉफिट तो उसको रखना ही रखना है। मींस दैट 16% विल इंक्रीज टू द एंड कंज्यूमर एज वेल। ये जो प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी को जाएगा, ये प्रॉफिट किसकी जेब से जाएगा? एट द एंड जो कंज्यूमर है, जो पावर कंज्यूम करता है, वो हमारा घर वाला हो, वो हमारा दुकानदार हो, वो हमारा होटल वाला हो, वो हमारा हाउस बोट ओनर हो, देना तो उसी की जेब से जाएगा। दैट इज वन थिंग। क्वेश्चन जो आपने बोला था Article 370, ये हमारी बदकिस्मती है कि अवर स्टेट हैज बीन डिग्रेडेड फ्रॉम स्टेट टू UT। नाउ सर, मैंने एक वर्ड बोला था, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द 7th Amendment कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंकरेंट इशू। कंकरेंट इशू में क्या होता है कि अनलेस एंड अंटिल जब कोई पॉलिसी डिसाइड होती है, दैट पॉलिसी नीड्स टू हैव कंकरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सिंस वी हैव डिग्रेडेड टू यूटी, यूटी कम अंडर द डायरेक्ट एम्बिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंटर चाहती है, तो यहां पर यह कंकरेंसी का फैक्टर खत्म हो गया। जब कंकरेंसी का फैक्टर हुआ, जो भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोपेंगे हम पे। स्टेट में अगर उनको लागू करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्टेट्स की रजामंदी चाहिए। बट यहां पे J&K में अगर हम देखें, सिंस वी हैव बीन डिग्रेडेड टू यूटी, यहां पे उनको स्टेट की रजामंदी चाहिए नहीं, बिकॉज इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस वजह से जो भी एक्सपेरिमेंटेशन ये कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम जो भी स्टार्ट में गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस इट विल स्टार्ट फ्रॉम यूटीज, जिसमें पहले हमने देखा चंडीगढ़ में उन्होंने स्टार्ट किया, पुडुचेरी में स्टार्ट किया। मगर मैं ये उनको याद दिलाना चाहता हूं, आप चंडीगढ़ और JK को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते। चंडीगढ़ में 1.5 लाख कंज्यूमर्स है। अगर हम देखें टोटल जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज है, एक्सक्लूडिंग दिल्ली में बोल रहा हूं, टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज में हमारे सिर्फ 9 लाख कंज्यूमर्स है, जबकि ओनली J&K यूटी में हमारे 21 लाख कंज्यूमर्स है। 7 यूनियन टेरिटरीज कहां पे, और यहां पे JK है, उनके 21 लाख कंज्यूमर्स है। अगर आप कोई पॉलिसी इन 7 लाख कंज्यूमर्स पे अलग अलग कर रहे हैं, यानी 1.5 लाख कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, वो आप 21 लाख कंज्यूमर्स के लिए नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सी JK ऑन द वर्यू
from the purview of being a union territory only. Thanks for watching Kashmir News Service.